हेलो दोस्तों, मॉम एंड सिस किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं प्रोटीन से भरपूर स्प्राउट्स की रेसिपी। फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने साबुत मूंग ली है। साबुत मूंग को हमने ओवरनाइट सोक करने के लिए रख दिया था। उसके बाद हमारे पास ये स्प्राउट्स बनाने का पॉट है, हमने इसका यूज़ किया था। आप इसको एक कपड़े में बांधकर 12 घंटे के लिए रख देंगे तो इसमें इस तरीके से वो अंकुरित हो जाएगा। साथ ही ये हमने चने लिए हैं। देखिए, चने को हमने उसी तरीके से कपड़े में बांध के रखा है और ये भी अंकुरित हो गई है। हम इनसे स्प्राउट बनाएंगे दोनों अनाजों से। आप चाहें तो एक से ज़्यादा अनाज भी ले सकते हैं या सिर्फ एक से ही बना सकते हैं। हमने ये दोनों बाउल में कर लिए हैं। फ्रेंड्स, हम इन्हें पहले थोड़ा सा बॉईल करेंगे, उसके बाद हम स्प्राउट्स बनाएंगे। बॉईल करने के लिए हमने ये कढ़ाई में पानी को उबाल लिया है। हमने दो कढ़ाई रखी हैं, एक में हम मूंग को उबालेंगे और दूसरे में हम चने को उबालेंगे। पानी में हम थोड़ा नमक डाल देंगे। ये उबाल आ गया है, अब इसमें हम मूंग डाल देंगे। फ्रेंड्स, मूंग बहुत जल्दी पक जाती है, इसलिए हमें इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए बॉईल करना है। और दूसरी कढ़ाई में चने डाल देंगे। चने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेते हैं तो चने को हमें लगभग 10 मिनट के लिए उबालना है। और इन दोनों को हम ढक के पकाएंगे। स्प्राउट बनाने के लिए ये एक मिर्च 1 इंच अदरक के टुकड़े को हमने बारीक काट लिया है। साथ ही ये हमने आधा कप पनीर और एक मीडियम साइज़ के टमाटर को बारीक काट लिया है और एक प्याज को बारीक काट लिया है। साथ ही हम कुछ मसाले लेंगे, 1 चम्मच पिसी हुई चीनी, 1 छोटी चम्मच नमक, चाट मसाला, काला नमक, भुना हुआ जीरा और काली मिर्च, ये सब हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग लिया है। साथ ही हमने 1 चम्मच शहद और पुदीने के पत्ते लिए हैं और 1/2 चम्मच नींबू का रस। अब हम स्प्राउट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने 5 मिनट बाद मूंग को निकाल लिया था। मूंग 4 चम्मच मूंग और 4 चम्मच चने लेंगे हम। अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। ये हमने चीनी डाल दी, चाट मसाला। फ्रेंड्स, चीनी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। काला नमक 1/2 चम्मच, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम हरी मिर्च और अदरक डाल देंगे, ये टमाटर डाल देंगे, पनीर के टुकड़े डाल देंगे। पनीर के टुकड़े हमें बारीक ही रखने हैं। इनको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि मसाला और ये वेजिटेबल्स पनीर अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसके ऊपर हम शहद डाल देंगे। शहद से इसका टेस्ट भी अच्छा आता है और शहद हेल्दी भी होता है। अब इसमें हम नमक डाल देंगे और ये नींबू का रस। और ये
ये पुदीने की पत्ती को हम हाथों की सहायता से तोड़कर डालेंगे, चाकू से काटकर नहीं डालेंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसको एक बाउल में कर लेंगे। स्प्राउट्स हमारे बनके तैयार हो गए। ये हमारे बनकर तैयार हो गए। अब हम इनको थोड़ी सी गार्निशिंग कर देंगे। ऊपर से प्याज डाल देंगे। अगर आप इसके ऊपर थोड़ी सी प्याज से गार्निशिंग कर देंगे, अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो इसे अवॉइड कर सकते हैं। पुदीने के पत्ते के साथ इसको सजा देंगे। फ्रेंड्स, स्प्राउट्स बनकर हमारे तैयार हो गए। इसके ऊपर कुछ नींबू कटे हुए रख देंगे इस तरीके से। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की स्प्राउट्स की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।